पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की ओर से कार्यक्रम आयोजित हुआ। इस अवसर पर सभी सदस्यों ने मिलकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिठाई खिलाई और उनके प्रधानमंत्री बनने पर उन्हें बधाई दी गई। इस दौरान सभी महिलाओं ने नरेंद्र मोदी के चित्र पर मिठाई अर्पित कर उन्हें शुभकामनाएं अर्पित की। इस दौरान उत्तर प्रदेश वैश्य महासम्मेलन महिला इकाई की प्रदेश उपाध्यक्ष दीपाली अग्रवाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक बार फिर गद्दी संभालने पर खुशी का इजहार किया गया है। तो वहीं नीलिमा अग्रवाल ने कहा कि देश का विकास नरेंद्र मोदी के हाथों में है और नरेंद्र मोदी ही देश को आगे ले जा सकते हैं। सभी ने खुशी में मिलजुल कर साथ दिया। इस अवसर पर दीपाली अग्रवाल, प्रदेश उपाध्यक्ष मीना गोयल, क्षमा गोयल, नीलिमा अग्रवाल, पदम गुप्ता, नीलम बंसल, दिव्या अग्रवाल, प्रगति अग्रवाल, श्रेया अग्रवाल के साथ और भी सदस्याएं उपस्थित रहीं। हमने वैश्य अग्रवाल महिला संगठन की ओर से माननीय मोदी जी हमारे दोबारा से प्रधानमंत्री बन रहे हैं और शपथ ग्रहण कर रहे हैं। हमें बेहद खुशी है उनके आने की दोबारा से, इसलिए आज हमने एक आयोजित करी है सभा और हम चाहेंगे कि हम हमेशा उनके साथ रहें। आज हमने वैश्य उत्तर प्रदेश महिला मंडल की तरफ से सभी महिलाओं ने इकट्ठा होकर अपने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की ऐतिहासिक जीत के उपलक्ष्य में ये आयोजन रखा है और उनको मिठाई खिलाकर हम सभी ने आपस में एक दूसरे का मुंह मीठा करके ये जश्न मनाया है और हम सभी वैश्य समाज की महिलाओं की तरफ से मोदी जी को उनकी ऐतिहासिक जीत पर और पूर्ण बहुमत की जीत पर उनको हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और बहुत बहुत बधाई देते हैं पूरे देश को और पूरे भारत को, और हम हमेशा उनके साथ हैं और हमेशा उनके साथ रहेंगे। यही हमारा आज का एजेंडा।